टॉप फाइव बेस्ट लैपटॉप तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लैपटॉप आता है एसोस टफ एफ़ फिफ्टीन लैपटॉप यह लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा बेहतर लैपटॉप है बाकी सारे एसूस लैपटॉप से क्योंकि फिफ्टी थ्री थाउजेंड करेंट प्राइज़ है इसका लेकिन पचपन हज़ार तक में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाता है परफॉर्मेंस अच्छी है आई फाइव एलेवन जनरेसन सिक्स कोर ट्वेल्थ थ्रेड्स हैं इसके अंदर ओवरऑल फीचर्स की बात कर लूँ अगर मैं तो काफ़ी ज़्यादा ठीक हैं एक्सपेंडेबल अप टू थर्टी टू जी बी है सिक्सटीन जी बी डी डी आर फाइव रैम मिल जाती है पाँच सौ बारह जी बी एस एस डी फिफ्टीन पॉइंट सिक्स इंच फुल एच डी आई पी एस डिस्प्लेस के अंदर आपको देखने को मिल जाती है वन फोटी फोर हर्ट्स निट्स टू फिफ्टी नेट्स ब्राइटनेस निविडिया जी फोर्स आर टी एक्स टू जीरो फाइव जीरो का यहाँ पर आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाता है फुल एच डी हाई सेटिंग्स पर गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस देता है बात कर लें अगर गेम की तो वॉर सिटी गॉड ऑफ वॉर वेलो रेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे चल जाते हैं ईजी बिना लैग के फोर्टी एट वॉट बैटरी मिल जाती है ओवरऑल स्पीड ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं टफ गेमिंग एसूस की तरफ से सारे के सारे नेसेसरी पोर्ट जितने भी होते हैं सब आपको मिलेंगे तो आप इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो नेक्स्ट लैपटॉप आता है लेनोवो आइडिया पैड स्लिम थ्री लैपटॉप ये लैपटॉप भी लेनोवो की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है प्रोग्रामिंग के लिए लाइट एडिटिंग के लिए फोर के लेस लेयर्स इसके अंदर मिल जाती हैं आपको इसका करंट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो चौ चौवन हज़ार से पचपन हज़ार के बीच में मिल जाता है इंटेल आई फाइव ट्वेल्थ जनरेशन एट कोर ट्वेल्थ थ्रेड्स इंटेल की अगर बात कर लूँ तो प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है रिफ्रेश रेट अच्छा होता है और बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आई फाइव की अगर मैं बात कर लूँ ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एट कोर और ट्वेल्थ थ्रेड की बात कर रहा हूँ मैं हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है ये मेरी तरफ से आपको और अगर मैं इसके बेंच की बात कर लूँ तो सिने बेंच में जो ये प्रोसेसर मैं आपको बता रहा हूँ वो मल्टी कोर और सिंगल कोर दोनों पर ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा होता है और अगर दूसरे ए से बात कर लूँ या या फिर राइजन से बात कर लूँ तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस लैपटॉप के अंदर देखने को मिल जाती है सिक्सटीन जी बी डी रैम है रैम को एक्सपेंड नहीं कर सकते हो आप और अगर बात कर लूँ डी डी के बारे में तो डी डी आर फोर थ्री टू डबल जीरो एम एच जेड मिल जाता है सोलह जी बी रैम है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो ये लैपटॉप अच्छा है नेक्स्ट लैपटॉप बताए लेनोवो थिंक बुक फिफ्टीन जी फाइव लैपटॉप इस लैपटॉप का करंट प्राइस सैंतालीस हज़ार है इस प्राइस पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाती है लेनोवो की तरफ से टॉपलेट बॉडी है ड्यूरेबिलिटी अच्छी है वन एट्टी डिग्री हिंज है प्राइवेसी शटर कैमरा है बैकलेट है फिंगरप्रिंट है ओवरऑल फीचर्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि इस बजट में नहीं मिलेगा राइजन सेवन है सेवन थाउजेंड सीरीज़ मिल जाती है एट कोर सिक्सटीन थ्रेड मिल जाता है सोलह जी बी आर फोर रैम है एक्सपेंडेबल अप टू फोर्टी एट जी बी तो ओवरऑल फ़ीचर अच्छे हैं और पाँच सौ बारह जी बी एस एस डी एक्सपेंडेबल है एक्सपेंडेबल रैम कर सकते हो और स्टोर भी स्टोरेज भी आप एक्सपेंड कर सकते हो तो ओवरऑल इस प्राइस रेंज पर काफ़ी अच्छा है क्योंकि राइजन सेवन प्रोसेसर मिल जाता है तो स्पीड वगैरह और जो मल्टी टास्किंग वगैरह है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी फिफ्टीन पॉइंट सिक्स इंच फुल एच डी डिस्प्ले टू फिफ्टीन इट्स ब्राइटनेस एम डी रेडियंट ग्रेफिक कार्ड है रैपिड फास्ट चार्जिंग प्रो मिल जाती है इसके अंदर आपको यू एस बी टाइप सी फोर्टी फाइव वॉट बैटरी सिक्सटी फ़ाइव वॉट अडेप्ट तो बैटरी बैकअप भी अच्छा खासा ठीक है जीरो से पचास परसेंट तीस मिनट में हो जाता है सारे के सारे नेसेसरी पोर्ट्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं तो ओवरऑल जो फीचर्स हैं आपके लैपटॉप के वो अच्छे हैं मल्टीटास्किंग के लिए प्रोग्रामिंग के लिए एडिटिंग के लिए गेमिंग के लिए भी थोड़ा बहुत सही चल जाता है बट ज़्यादा अच्छा तो नहीं है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है मिलते हैं जल्दी एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ में